अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की जनरल साइंस के फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम उसकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन 1.4 कंटिन्यू करेंगे। ये सब क्वेश्चन हम की बुक से करेंगे। आप देख सकते हैं ये 1.4 सेक्शन है, इसके फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस की 3 एग्जाम्पल्स हमने बतानी है। ये 3 एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शंस आर स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग। ये आपने एज इट इज़ बस लिख लेनी है और याद करनी है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस, गैर शौर्य फाल की 3 एग्जाम्पल्स या मिसालें। 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस आर हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन, डेफिनेशंस आएंगी सेंसरी न्यूरॉन, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स विच कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, एयर्स, आईज, स्किन, टंग, नोज एक्सेट्रा, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे नर्व इम्पल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मुंतकिल की जाती हैं, ये करती हैं। सेकंड है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, मोटर न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं विच कैरी द नर्व इम्पल्स टू द पार्ट ऑफ अ बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हदायत को मुतालिका जिस्मानी हिस्सों तक पहुँचाती है, मतलब जिस पार्ट पे, जिस बॉडी के पार्ट पे उन नर्व्स को अप्लाई किया जाता है या उसको कैरी किया जाता है उस तक वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं और उसको आगे बॉडी तक पहुंचाती हैं। थर्ड पे आया इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन की डेफिनेशन देखें, इंटर न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन, ये लिंक रबते का काम करते हैं बिटवीन किसके दरमियान में, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान रबते का काम करते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये 3 डेफिनेशंस आपने ऐसे ही लिख लेनी है। फोर्थ क्वेश्चन है स्किन इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जिल्द को अखराजी ऑर्गन भी ख्याल किया जाता है या कहा जाता है, डैट वाई उन्होंने रीज़न पूछा है कि स्किन जो है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अखराजी ऑर्गन के तौर पर ख्याल किया जाता है। अब इसकी वाई बिकॉज क्यों हम इसका आंसर देंगे, स्किन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्किन को या जिल्द को अखराजी ऑर्गन कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग प्रेस्परेशन सम एक्स्ट्रा साल्स आर रिमूव थ्रू स्किन, क्योंकि जब हमें पसीना आता है तो पसीने के ज़रिए हमारे जिस्म में से फाजिल शुदा नमकियात या कीमियाई मादे जो हैं वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं, इसलिए उसको अखराजी ऑर्गन कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपने एज इट इज़ ऐसे की बुक से नोट डाउन करने हैं और उसको लिखना है और याद करना है। अब हम चलते हैं इसके 1.5 सेक्शन पे, डिफरेंशिएट बिटवीन, दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट करना है आपने। डिफरेंशिएशन मीन के फ़र्क बयान करना है। सबसे पहला है रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, ये सब भी हम की बुक से करेंगे क्योंकि बुक में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है, लेकिन ये हम दो जब डेफिनेशंस ऐसे डिफरेंशिएशन से पूछते हैं तो हम इसको की बुक से कर लेंगे, वहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। अपनी की बुक ओपन करें, ये पहला डिफरेंशिएट देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। आपने जब भी डिफरेंशिएशन करनी है तो डिफरेंस बताना है किसी भी दो चीज़ों का, तो सबसे पहले आपने मिड में लाइन लगानी है और एक साइड पे फर्स्ट वन और सेकंड, दूसरी साइड पे सेकंड को लिखकर फिर इन दोनों के दरमियान फ़र्क बयान करना है। पहले देखते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, अ स्पेशल ऑर्गन टिश्यू और सेल्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। एक मखसूस किस्म के ऑर्गन टिश्यू या सेल जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, मीन्स महसूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। सेकेंड है हमारा इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होता है, द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सिस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिस। जिस्मानी हिस्से जो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए पहुंचने वाली नर्व इम्पल्सिस के मुताबिक रद्द अमल पैदा करते हैं, मतलब उसके रिप्लाई में रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स, उनको क्या कहते हैं, इफेक्टर्स। सेकेंड हमारा जो डिफरेंस हमने बताना है वो है न्यूरॉन एंड नर्व का।
फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूरॉन पढ़ा था, ये हम एज इट इज़ ऐसे ही कर लेंगे। न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का एक बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल साख्त और फेल के लिहाज से बुनियादी इकाई है। नर्वस सिस्टम की ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम के सब पार्ट्स जो हैं लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस। ये नर्व इम्पल्सिस के जरिए अपनी केमिकल व्यूज के जरिए या वेव्स के जरिए अपनी जो पैगामात हैं उसकी तरसील करते हैं न्यूरॉन्स। सेकंड है हमारा नर्व। नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन इनक्लोज्ड इन द कॉमन शीट। नर्व एक्सॉन की तय या शीट में लिपटी हुई केबल नुमा बंडल जैसी साख्त होती है। नर्व ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर। ये बॉडी के एक हिस्से से दूसरी जानिब, दूसरे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेजेस पहुंचाते हैं, ये पहुंचाने का काम करते हैं। थर्ड पे है हमारा डिफरेंस वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शन जो शऊर से किए जाएँ, मतलब कि जिसको सोच विचार के साथ किया जाए, उसको अमल में लाया जाए, उसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे अफाल या ऐसे एक्शंस जो हम गैर शऊरी अफाल के तौर पर करें, मतलब कि जिसमें हमारी सोच विचार शामिल ना हो, वो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं बगैर सोचे समझे। पहले देखते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर देम आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। इनको हम जिस्मानी अफाल जो कि शऊरी तौर पर यानी सोच विचार के बाद अंजाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देखें, स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग एक्सेट्रा आर वॉलेंट्री एक्शंस। देन इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस जो कि बगैर सोचे समझे अंजाम दिए जाएँ। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। लाइक कौन कौन से एक्शंस हैं इनमें, इनकी एग्जाम्पल्स देखें, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा किडनी एंड लंग्स। किडनी, किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीटिंग द वेस्ट अलोंग द वाटर एज यूरिन। हमारे जो गुर्दे, उनकी शक्ल लोबिया की तरह की होती है। गुर्दे जो हैं लोबिया की शक्ल पर मुश्तमिल होते हैं। ये क्या, इनका क्या काम है? ये खून को फिल्टर करते हैं और इसमें मौजूद यूरिया को पानी के साथ जिस्म से यूरिन की फॉर्म में निकाल देते हैं। इन ह्यूमन द किडनीज आर लोकेटेड इन द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमन। ये एब्डोमन से पोस्टेरियर पार्ट की तौर पर, पोस्टेरियर एब्डोमन से इसकी जगह कहाँ होती है? एब्डोमन से पोस्टेरियर पार्ट की तरफ लोकेट होती है। इसके बाद हम देखते हैं लंग्स। लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो हमारे फेफड़े हैं वो निज़ाम तनफ्फुस यानी सांस लेने वाले जो निज़ाम है हमारा, उसका अहम हिस्सा है। डैट हैव द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द ब्लड एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। इनका क्या काम है? सांस लेने के दौरान जब हम ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करते हैं तो ये हमारे खून में उसको जज़ब कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। लोकेटेड इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, लोकेटेड इन द चेस्ट, वन ऑन द लेफ्ट एंड वन ऑन द राइट। और खून में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको खारिज कर जाता है फेफड़े इंसानी जिस्म के चेस्ट के दाएं तरफ होता है और एक बाएं तरफ, मतलब लेफ्ट एंड राइट दो होते हैं ये भी। लास्ट वन है हमारा डिफरेंस, लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं लिथोट्रिप्सी क्या है। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव बाय लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑफ द स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड। शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इनटू स्मॉल पीसेस विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। स्टिल लार्जर स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें अगर हमारे गुर्दों में पथरी हो गई है और उसको रिमूव करना है, अगर तो वो पथरी ज़्यादा बड़े साइज की नहीं है तो हम उसके लिए लेज़र वेव्स का यूज़ करते हैं, शॉक वेव्स लगाते हैं जिससे वो पथरी छोटे छोटे ज़रात में चेंज होती है और हमारे यूरिन से, हमारी बॉडी से खारिज हो जाती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा लार्ज साइज़ का स्टोन है, पथरी है, तो वो सर्जरी से रिमूव होगी। इसी तरह डायलिसिस देखते हैं।
Cleaning of blood by artificial method is called dialysis. It is done by the machine called dialyzer. The blood of patient is passed through the dialyzer, which contains dialysis fluid. Blood flows through the tubes of the dialyzer, and dialysis fluid flows around these tubes. The waste materials move from the blood to the dialysis fluid. The cleansed blood is returned to the body. डायलिसिस क्या है? डायलिसिस ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें एक मसनू तरीके से ना खून से फाजिल मादे जो हैं वो अलहदा किए जाते हैं इससे। ये एक मशीन से डन किया जाता है, मतलब एक मशीन होती है जिसका नाम है डायलेजर। उस मशीन को डायलेजर कहते हैं और इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, जिसे क्या होता है कि मरीज़ के जो खून से फाजिलशुदा मादे अलग किए जाते हैं, और वो जब उस ट्यूब से उन नालियों से गुजरता है तो जो फाजिल मादे हैं वो नालियों से जज़ब होकर उस डायलिसिस फ्लूड से मिलकर उसमें से गुजरता है और नालियों के गिर्द बहता रहता है। इस अमल के दौरान जो खून से फाजिल मादे हैं वो डायलिसिस की नालियों के इर्द गिर्द मौजूद डायलिसिस में मुंतकिल हो जाते हैं और साफ़ खून जिस्म में वापस मुंतकिल हो जाता है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।